जयंत देवता इज वेरी इंपॉर्टेंट, जयंत देवता इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जयंत होते हैं, जयंत कौन होते हैं बेसिकली, सबसे पहले समझो। जयंत की कौन सी एंट्रेंस आएगी? E3 की आएगी, कोई और आ रही है? E3 हाँ सर, E3 हाँ सर, E2 मत बोलो, मैं तो हिल गया। मैंने कह रहा कोई साला गलत तो नहीं छाप E3 दिया उसने, गलत बनाने वाले ने, मैं तो देखने लग गया। E3, आपको याद है मैंने E3 और E4 की एंट्रेंस कैसी बताई थी? वेरी गुड सर। यस, वेरी गुड। मींस जो E3 की एंट्रेंस होती है वो जयंत की एंट्रेंस होती है, इसलिए इतनी पावरफुल होती है। बहुत पावरफुल देवता होते हैं, पैसा दिलाते हैं, यश दिलाते हैं, सब कुछ दिलाते हैं आपकी जिंदगी में। जो जयंत हैं वो हैं कौन? जयंत इज सन ऑफ इंद्रा एंड सची। सची और इंद्रा के, या सूची भी बोला गया है इनको कई जगह पे, इन दोनों के पुत्र हैं। इंद्र तो आपने पता ही है, पढ़ा भी है पहले, इंद्र देवताओं के राजा हैं। और जो शची हैं दिति वो दिति की पुत्री हैं। दिति कौन थी भी बताओगे आप मुझे? दिति कौन थी? कौन बताएगा दिति? साक्षी दिति कौन थी? देवता सर, कोई आइडिया नहीं मुझे। वेरी गुड, मदर ऑफ देवतास। और कोई? ये असुरों की माता थी, अदिति की बहन थी। कोई बात नहीं, स्टोरी तो सही है, याद रही तो भी ठीक है, नहीं रही तो भी ठीक है। जो दिति थी वो असुरों की माता थी, ठीक है? तो जो दिति की पुत्री हुई सुची, सची, वो और इंद्र का बेटा हुआ जयंत। अब जो जयंत हुआ ना इंद्र का बेटा, तो उसमें दोनों के गुण आ गए, देवताओं के भी और राक्षसों के भी। और देखो कलयुग में तो ऐसा ही आदमी सक्सेसफुल है ना, क्या गलत बोल रहा हूँ? जिसमें असुरों की क्वालिटी भी और देवताओं की भी हो, सारी देवताओं वाली होंगी तो लोग पागल बना जाएंगे उसको, यानी बनाएंगे, पागल बना देंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है? जिसमें देवताओं और असुरों की क्वालिटी होगी वो जयंत है। दोनों की पावर्स हैं और जबरदस्त है, सामाजिक संबंध देता है, बहुत बढ़िया वाले, गुड सॉल्यूशन। सामाजिक संबंध ऐसे नहीं कि सिंपल सोशल रिलेशन है, वो अपने काम निकलवाएगा उन सोशल रिलेशन से। घर में हमेशा एक एनर्जी रहेगी, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता रहेगा हमेशा, ही विल गेट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जयंत है ना, जयंत है किसका बेटा? किसका है? इंद्र का। इंद्र कौन है? खुद राजा। इंद्र कौन है? खुद सरकार। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना? जयंत के बारे में एक चीज और भी कही जाती है, जो जयंत होता है ना, जो जयंत है, समुद्र मंथन के टाइम पे भी इसका जिक्र आता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के समय पे, जब समुद्र का मंथन चल रहा था, तो समुद्र मंथन से क्या निकला था, कोई बताएगा? विमल जी, क्या निकला था? अमृत अमृत। तो वो अमृत समुद्र मंथन के टाइम पे देवता और राक्षस लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। तो एक समय पे देवताओं और राक्षसों के हाथ से वो समुद्र, क्या कहते हैं, जो अमृत है, वो एक कौवा लेके उड़ गया था। वो कौवा कौन था? वो जयंत था, उसने कौवे का रूप बना दिया था। वो कौवा लेके उड़ रहा था, तो वो 12 दिन तक उसको लेके उड़ता रहा था, और उन्हीं 12 दिनों में वो अमृत कई जगह पे छलक के गिरा था, जैसे कि प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, जहां हर 12 साल में क्या लगता है? कुंभ। प्रयागराज
पृथ्वी पर सबसे पहले अमृत लाने वाला कौन था? वो था जयंत। अब जो पृथ्वी पर सबसे पहले अमृत ला सकता है, तो क्या वो आपके जीवन में अमृत नहीं लाएगा? इसीलिए इस एंट्रेंस को दी बेस्ट माना गया है, दी बेस्ट, सबसे प्यारी आज के टाइम में। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, सब सामाजिक संगठन, सब आप समझिए, यह व्यक्ति किसी भी सरकारी काम को करवाने में सक्षम होता है। राजनीतिक समझ होती है, सामाजिक समझ होती है, फैमिली में एक एनर्जी भरी होती है, ठीक है, मौज मस्ती का भी कारक होता है, फुल मौज मस्ती देता है। ईएनई का जोन पड़ता है ना, ये देखो आप, ईएनई का ही पड़ रहा है ना, हाँ ईएनई का जोन पड़ता है ना, फन एंड क्रिएशन। भाई जिसका बाप राजा हो वो तो वैसे ही मस्ती करते घूमते, राजा का पॉलिटिशियन के लड़के ही तो मजे लेते हैं आज की डेट में, कौन लेता है ना, ठीक है। पॉलिटिशियन के बच्चे ही तो मजे लेते हैं ना, पॉलिटिशियन का लड़का है, बड़े नेता का, बड़े राजनेता का लड़का है, सब हर टाइम मौज मस्ती में रहने वाला, ठीक है, चतुर होता है, चालाक होता है, तगड़े वाला। अब किसी किसी जगह पे आपने ये देखोगे, जब ईस्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो वो बंदा ज्यादा चालाक बनेगा और पकड़ा जाएगा, ज्यादा चालाक बनेगा और पकड़ा जाएगा। जहां ईस्ट छोटा होगा, इसका मतलब चतुराई खत्म, चतुराई है ही नहीं उसके अंदर, जीरो चतुराई। ईस्ट बढ़ा हुआ है तो बाकी लोग उससे फायदा उठाएंगे, मतलब सोशल कनेक्शंस का फायदा बनेगा। इट शुड बी बैलेंस्ड, बढ़ा हुआ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अनबैलेंस्ड होगा तो बच्चे शर्मीले भी होंगे उस घर के, शर्माएंगे, शाई फील करेंगे। सेंस ऑफ विक्ट्री भी देता है जयंत, जीत। जब नेताजी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं ना, तो उनका बेटा कहता है अब तो भैया जीत चाहिए चाहिए, इलेक्शन में हारना नहीं है किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। वेदों में कई जगह जयंत को ऋषि के नाम से भी पुकारा गया है, संत के नाम से भी पुकारा गया है, ठीक है। जो कलयुग में बड़े बड़े संत होते हैं ना, उनकी एंट्रेंस भी यहीं से कहलाती है। याद है आपको जो मैंने बड़े बड़े टेम्पल पढ़ाए थे, बड़े बड़े टेम्पल जो थे ना, उनकी सबकी सबकी एंट्रेंस E3 E4 की थी, बड़े बड़े टेम्पल थे जो, ठीक है, उनकी सबकी एंट्रेंस E3 E4 से थी। अपने क्या नाम है, सविता चावला बोल रहा हूँ यार, साक्षी चावला, साक्षी जो अपने श्री श्री जी है ना, हाँ जी उन्होंने भी अपनी एंट्रेंस इसी उससे सेट की हुई है। मैं लगा तो अभी टाइम दिखाऊंगा, गलत ठीक नहीं है इसमें कुछ भी, की हुई है, की हुई है। मीन्स यार वास्तु शास्त्र के बारे में दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है, शुड बी, मतलब इट शुड बी बैलेंस, इट शुड बी बैलेंस, इसमें दिक्कत क्या है ना, वास्तु का प्रयोग करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना। ये जयंत का रोल, अच्छा ये विक्ट्री की आदत लगाता है, जीत की आदत लगाता है, जीत का कारक है। रामायण में भी इनका जिक्र आता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है इनका, वहां भी वही चीयरफुल देवता, चीयरफुल, खुश रहने वाला, जॉय वाला। इसको इसी तरीके से समझो, अब खट्टर साहब भी को आ रहे हैं, उनका भी कोई बच्चा नहीं, उनके बच्चे का भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते और मोदी का भी नहीं दे सकते। देवप्रति घोष कहाँ, वेस्ट बंगाल में हो ना देवप्रति, है तो खैर तुम्हारी वाली भी कुंवारी ममता बनर्जी, बट जो उसका भतीजा है ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है ममता बनर्जी से, मतलब
ममता बनर्जी पावरफुल है इटसेल्फ, बट सारा काम तो वही संभालता है, इज वेरी पावरफुल। यस सर, वही नेक्स्ट है, नेक्स्ट ईयर वही नहीं, मतलब उस लेवल पे आदमी उसका होता है। ठीक है, ये चौटाला सीएम था, उसके दोनों बच्चे हैं हरियाणा में, पूरा बिल्कुल पावरफुल थे। वो जयंत है, वो जयंत है पूरी पावरफुल। या जयंत है तो सब कर देगा, सबसे पावरफुल माना जाता है जयंत।